हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है माइग्रेन। साथियों, जिस तरीके से दुनिया की विहंगम पर्वत श्रृंखलाओं में अल्पास का नाम आता है, उसी तरीके से मित्रों माइग्रेन की समस्या होती है, जिसको ठीक करना किसी अल्पास को फतेह करने से कम नहीं होता है। साथियों, आज हम जानेंगे माइग्रेन क्या होता है, किन कारणों से होता है, और होम्योपैथ में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनके माध्यम से माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल पावरफुल होम्योपैथिक वीडियो बनाता रहता हूँ, और जिसमें बहुत ही कम पैसे में, मात्र 100-200 रुपये में मरीज को पूर्णतया ठीक करने का एक प्रयास किया जाता है और उसको मार्गदर्शन कराया जाता है। तो साथियों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें, और एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है वहाँ पे बगल में, उसे दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके श्री चरणों तक पहुँच सके। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। क्या है माइग्रेन? साथियों, एक एबनॉर्मल सेंसेशन फीलिंग विच कन्वर्टेड इंटू पेन जस्ट लाइक एज अ हेड पेन एंड सीम्स लाइक एज हेड एक प्रोग्रेसिव इन माइनर। मित्रों, जब कोई असाधारण जो है तरीके से अचानक एक बैग हमारे सर में दर्द उठता हो और धीरे 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 वो बढ़ता जाए और एक पीक पे पड़ करके सेटल कर जाए, या रिफर्ड करे, या ट्रांसफार्म्ड करे, या जो है एकदम परमानेंट हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, प्रोग्रेसिव इन माइनर हो, तो उस कंडीशंस को, उस अवस्था को हम माइग्रेन के नाम से जानते हैं। माइग्रेन में मित्रों बेसिकली फीलिंग टाइप ऑफ पेन होता है। जी हाँ दोस्तों, फीलिंग पेन कहने का मतलब क्या हुआ कि हम महसूस करते हैं कि हमारा टेम्पोरल रीजन, पैराइटल रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन, या जो है फ्रंटल हेडेक, या ऑर्बिटल एरिया में, या आँखों पे दर्द जमा सा है, या बार बार टपकन सा हो रहा है, प्रोग्रेसिव इन माइनर, धीरे धीरे करके पीक पे पहुंच रहा है, पिंच कर रहा है, और इतना ज़्यादा इसकी सीवियरिटी होती है कि जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा सर फट जाएगा, अब जो है यह हम बचेंगे नहीं, इस तरीके का सर दर्द होता है। तो इस तरीके के सर दर्द को ऐसी सडन वायलेंट या परमानेंट या प्रोग्रेसिव सेटल डाउन हेडेक को ही हम माइग्रेन कहते हैं। यह मोस्टली एक दो दिन की समस्या नहीं होती है, बरसों पुरानी समस्या होती है। यह अटैक करता है कुछ दिनों पर, कुछ घंटों पर, कुछ महीनों पर, बार बार रिपीट करता है। इस अवस्था को मित्रों माइग्रेन कहते हैं। साथियों, में बड़ा ही साधारण शब्दों में भी बीमारी को बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि मरीज अपनी बीमारी को समझ सके, मैं उसको उसके बीमारी से अवगत कराना चाहता हूं साधारण शब्दों में, कहीं डॉक्टर बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो है इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा किया करिए, लेकिन मैं सुनता हूँ, थोड़ा बहुत प्रयोग करता हूँ, मोस्टली हिंदी में ही बताने की कोशिश करता हूँ। अगर जो कहीं कोई बात ना समझ में आ रही तो थोड़ा सा बता रहा हूँ। हेडेक इज ए टाइप ऑफ सडन वायलेंट परमानेंट प्रोग्रेसिव फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक एज पिंचिंग हैमरिंग सेंसेशन इन द फीलिंग ऑफ द हेड पेन दैट इज कन्वर्टेड इन टू हेडेक इज नोन एज माइग्रेन। इट मे बी वन टाइप और मे बी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पेन। वन टाइप मीन्स कहने मतलब पर्टिकुलर लोकेशन, जस्ट लाइक एज पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इस फ्रंटल, दिस टाइप ऑफ हेडेक मे बी फेल्ट बाय द पेशेंट। तो मित्रों, अगर जो ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, इस तरीके का एबनॉर्मल पेन हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, बरसों से आप पीड़ित हैं, और बरसों से बगल की मेडिकल की स्टोर से जा करके एक गोली खा करके सर दर्द बदन दर्द से आराम करने वाली गोली खा रहे हैं, तो उसमें भी देखने को मिलता है कि कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक, कुछ महीनों तक ही ये सर दर्द की दवा काम करती है, उसके बाद में ये भी काम करना बंद कर देती है,
और मरीज मोस्टली जी हाँ दोस्तों महिलाएं इससे पीड़ित होती। माइग्रेन की समस्या मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आती हैं महिलाएं आती हैं और इनमें भी ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब आइए मित्रों, क्या होता है माइग्रेन के दौरान? तो मोस्टली माइग्रेन के दौरान मित्रों क्या होता है कि मरीज को वर्टाइगो, चक्कर आने लगता है, हैमरिंग सेंसेशन इन हेडेक, ऐसा लगता है इसे कोई कीला ठोक रहा है, इस तरीके का दर्द हो रहा है, डलनेस, डिजीनेस, ड्रोविजनेस से देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, पेन प्रोग्रेसिव इन मैनर होता है, पिंचिंग लाइक पेन होता है, पल्सेटिंग पेन धड़ धड़ करके होता है, और इसके वजह से ड्यू टू द क्रोनिक टाइप ऑफ माइग्रेन और एक्यूट टाइप ऑफ माइग्रेन पेशेंट जनरली फीलिंग फ्रॉम नासिया एंड वोमिटिंग, उसको जो है उल्टी मिचली होने लगता है। इसके अलावा जो है रेडिएटेड पेन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हेड टू स्पाइनल कॉर्ड लोअर लिम, ऐसा लगता है कि गर्दन में अकड़न भी होने लगा है, उसी में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द चला जा रहा है, आँखों में दर्द सेटल कर जा रहा है, या जो है कानों पे दर्द सेटल कर जा रहा है, जो है ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, फ्रंटल हेडेक जो है सेटल कर जा रहा है, और साथ ही साथ मरीज मूर्छित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एपिलेप्सी भी देखने को मिल जाता है माइग्रेन में, कोरिया देखने को मिल जाता है माइग्रेन में। इसके अलावा मरीज जो है इनवायलेंट्री यूरिनेशन तक भी हो जाता है, ऐसी भी कंडीशंस आती है, वो जो है मरीज को जो है बाथरूम तक छूट जाता है, और फार ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड एंड शॉर्ट एपिसोड के लिए होता है, और उस एपिसोड में मरीज के जो है जीने मरने की स्थिति सी बन जाती है। साथियों, ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब आइए जानते हैं क्या कारण है माइग्रेन के, मोस्टली क्या क्या कारण है। तो मित्रों, मोस्टली ये बीमारी महिलाओं को देखने को मिलती है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, बेचैन से उठते हैं, हमेशा दिनों रात उसके पीछे पागल से बने रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वजह से क्या होता है, अगर जो कहीं हमको धोखा मिल जाता है, ये हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, हम किसी को बेहद प्यार कर रहे हैं, वो हमारे साथ धोखा कर दे, अब उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, गादुर बन गए हैं, रात रात जाग रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी को याद कर रहे हैं, वो तो कहीं मज़ा कर रहा है, हम उसके पीछे जो है सजा काट रहे हैं, वो हमारा भी मज़ा जो है ख़राब कर गया और अपना मज़ा तो वो ले ही रहा है, लेकिन उसको याद कर करके अपने जीवन को कर्ज कर रहे हैं, खुद को जो है रिग्रेट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, और बार बार एक फीलिंग आती है मेरे ही साथ क्यों। अब ये फीलिंग एक दिन की हो तो ठीक है, दो दिन की हो ठीक हो, एक हफ्ते की है ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसी फीलिंग अगर जो आपके अंदर आ रही है, तो इसके वजह से आप रात की नींदों को हराम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब ये रात की नींद हराम होती है तो धीरे धीरे महीना हो गया, नहीं सो पाए सही से, ना खा पाए सही से, ना सही टाइम पे सो रहे हैं, ना सही टाइम पे जाग रहे हैं, इसके वजह से इंसोम्निया हो जाता है, अनिद्रा बेचैनी घबराहट की समस्या होती है, और ये धीरे धीरे अनिद्रा बेचैनी घबराहट आपको पागलपन में ले जाती है, और इसके वजह से धीरे धीरे आपको दर्द होता है, धीरे धीरे दर्द का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मेंटेनिंग काज है, ये बीमारी नहीं, आपने इसको एक अवस्था जो है एक कंडीशंस एक स्टेज में ले जा करके अपने ब्रेन को डाल दिए हैं कि जो है बार बार उसी को याद करके अपने आपके दिमाग को ख़राब कर रहे हैं, इसके वजह से भी मोस्टली महिलाओं को माइग्रेन हो जाता है। तो प्लीज़ जो गया हो गया, जो गया उसको जाने दो, जो है उसे अपनाओ, खुश रहो, मस्त रहो, 50-25 साल की 60 साल की ज़िंदगी है, और इसमें ज़्यादा इतना टेंशन लेने का ज़रूरत है, जो गया हो गया, मस्त रहिए, आगे की ज़िंदगी को जो है जीने की कोशिश करिए, अगर जो अच्छा होता तो धोखा ही क्यों देता। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़ी मुसीबत से निकालना चाह रहे थे, इसलिए उसको आपकी ज़िंदगी से ही निकाल दिए और आपको मस्त रखना चाह रहे हैं, सो फॉरगेट हिम। दूसरा कारण होता है PCOD, PID। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली जो है कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें PCOD या PID की समस्या होती है, या डिलेड मेंसेज की समस्या होती है, स्कैंटी मेंसेज की समस्या होती है, और उनको मेंसेज के दौरान लोअर एब्डोमेन पेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द कभी कभी कुछ महिलाओं की ऐसी होती है कि पूरा मोहल्ले को पता चल जाता है कि आज ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में चल रही हैं, तो इस वजह से भी जो है धीरे धीरे करके माइग्रेन की समस्या ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ के वजह से, या जो है फीमेल
टाइप ऑफ प्रॉब्लम होने के वजह से भी हो जाता है। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा ल्यूगोरिया की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी धात की समस्या होती है, वह अपनी इस गुप्त बीमारी को किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो आपको बता दें, ल्यूगोरिया कोई गुप्त बीमारी नहीं है, यह जो है लोगों से साझा करने लायक बीमारी है। आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो है फीमेल डॉक्टर जो हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उनके पास में बहुत सारी और भी महिलाएं बैठी हुई हैं जिनको ल्यूकोरिया सफ़ेद पानी की समस्या है, और वो लोग आपस में बात करेंगे तो आपको तसल्ली मिलेगा कि सिर्फ आपको ही ल्यूकोरिया नहीं है, बहुत लोगों को भी है। तो कुछ महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि उनकी बच्चेदानी ख़राब हो गई है, उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। तो ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द थॉट्स एंड डिजायर, इसके वजह से भी माइग्रेन होता है। इसलिए जब भी कोई बीमारी आए तो आप डॉक्टर ना बने, आपसे करबद्ध निवेदन है, आप मरीज ही रहें, अपनी समस्या को जा करके डॉक्टर को ज्यों का त्यों बताएं। ये ना कहें कि हमारे जानने वाले पप्पू को ऐसी समस्या है, हम खाली जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब का एक कोई बीमारी दवा है कि नहीं है। तो ऐसा ना करें, सीधे बताएं कि सर मैं ही पेशेंट हूँ, मुझे यह समस्या है, ताकि होम्योपैथिक डॉक्टर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके खूबसूरत दवा दे और आप ठीक हो जाए। इसके अलावा कुछ कारण और होते हैं मित्रों, परिवार की कलह। बहुत से ऐसे घर या घर हैं, परिवार हैं, जिनके कुछ माता पिता भाई बंधु जो है दारू शराब ज़्यादा पीते हैं, नशेड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, और जो है वो बाहर दारू पी करके आते हैं। घर का आदमी भूखा है, प्यासा है, खाया कि नहीं खाया, घर के बीवी बच्चों को कपड़े लगते, स्कूल का फीस जमा हुआ कि नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। बेधड़क जो है तुरंत घमासान जो है महायुद्ध शुरू होता है, जिसके वजह से वहाँ की जो बच्चियाँ होती हैं बहुत सहम जाती हैं, डर जाती हैं, वो धीरे धीरे डर जो है उनको माइग्रेन का रूप ले लेता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके अपनी जो है खुद के बल पे, खुद के हिम्मत पे अपना करियर बनाने के लिए बाहर रहती हैं। तो ऐसी महिलाओं को मेरा दिल से प्रणाम है, उनके जज्बात को प्रणाम है, क्योंकि महिला शक्ति सर्वोपरि है। तो कभी कभी उनकी योग्यता के अनुसार, मान लीजिए अगर जो उन्होंने जो है बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, अपने पद के अनुसार अगर जो उन्हें कोई भी जो है नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से रोजी रोटी चलाने के लिए छोटा काम करना पड़ता है, तो उनको रिग्रेशन होता, फीलिंग आती है कि यार मैंने इतना पढ़ाई किया, मुझे मेरे योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिला, तो उसके वजह से भी उन्हें माइग्रेन होता है। तो मैं आपको बता दूँ, काम कोई छोटा नहीं होता है, काम को छोटा बड़ा निगाह से देख करके करने वाला छोटा बड़ा होता है। हर वो चीज़ जिससे हमारा पेट भर रहा है, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वह काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है। और याद रखना, अगर जो सीढ़ियों से चढ़ करके आप जो है छत तक पहुंच रहे हैं, तो कभी भी गिरने का चांस नहीं आएगा, क्योंकि आप एक एक स्टेप को पार करके जो है ऊपर पहुँचे हैं, और पीछे से जो लटक करके चढ़ते हैं, अचानक रस्सी टूटती ही गिर जाते हैं तो बहुत चोट खा जाते हैं। अचानक वह जो है सांप सीढ़ी का गेम उनके लाइफ में हो जैसा हो जाता है कि उपलब्धि आने में देर नहीं लगी और जाने में देर नहीं लगी। तो ज़रूर आपको समय लग रहा है, आपसे भगवान परीक्षाएं आपकी ले रहा है, लेकिन याद रखना, जब सफलता आएगी तो शोर मच जाएगा और लोग जान जाएंगे कि आपने बहुत मेहनत की, आप सफल हो गए हैं। तो मित्रों, अगर जो ऐसी कोई समस्या आ रही है, इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सारे कंडीशंस जो है कहीं ना कहीं माइग्रेन की तरफ आपको ले जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कौन कौन सी होम्योपैथ में दवा है। तो आइए साथियों बात करते हैं होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी दवा है जो माइग्रेन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकती है। तो मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र है, तो है दवा का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें, ताकि बढ़िया से काम कर सकें। मित्रों, अगर जो अचानक से आपको अंधेरे से डर लगने लगा, आपको ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द साइड, ड्यू टू द टोबैको, ड्यू टू द एबनॉर्मल एटमॉस्फेयर एंड पीपल्स जो कि आपके अनुकूल नहीं है, उनके वजह में जाने की वजह से, भूत प्रेत के वजह से, अगर जो आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या हो रही है, तो पहली मेडिसिन है सीपिया। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त काम करती है ऐसे मरीजों के लिए। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा उल्टी, मिचली, गैस, डकार या इत्त पित्त जैसी चीज़ें निकल जाती माइग्रेन के समय में, तो आयरिस बेसिकलर बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन, बहुत बढ़िया काम करती है। अगर जो आपको जो है इतना ज़्यादा खिंचा खिंचा सा दर्द होता है, सर लगता है फट जाएगा और सेंसेशन आता है डलनेस, डिजनेस, जो बिजनेस,
विद ट्रिमर आपका हाथ पैर कांपने लगता है दर्द के वजह से, तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जलसीमियम। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस, हॉटनेस, बर्निंग विद द हेडेक जो है महसूस हो रहा है, लग रहा है सर गर्म हो गया, फट जाएगा, तो ऐसे मरीजों के लिए बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है जो दोस्तों। इसके अलावा अगर जो आपको जो है ट्रिमर के साथ में जो अगर जो आपको झटके आने लगते हैं दर्द के वजह से, बहुत ज़्यादा रोरिंग इन ईयर्स हो रहा है, एपिलेप्टिक जो है विद हेडेक टाइप का हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मित्रों स्पाइजेलिया बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो साथियों ये जो कुछ दवाइयाँ हमने आपको बताई, ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब अगर जो लग रहा है कि जैसे हथौड़ा जैसा चल रहा, कोई कीला ठोक रहा है या पल्सेटिंग टाइप का पेन हो रहा है, तो ऐसे में नेट्रम्यूर बहुत ज़बरदस्त काम करता है और हर तरीके के ऐसी जो है फीलिंग को, सेंसेशन को, सिरदर्द को ठीक करता है। साथियों ये दवाइयाँ जितनी मैंने बताई, लगभग मैं मान के चलें 5 दवाइयाँ बताई, नियर अबाउट 500 की हो गई, 100-100 रुपया पकड़ के भी चलें तो नियर अबाउट 500 की हो गई। इसी बीच में केंट होम्योपैथी ने, जी हाँ दोस्तों मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ ध्यान से देख लें, केंट होम्योपैथी लेबोरेटरी ने केंटो माइग्रेन नाम का एक ड्रॉप बनाया है, जिसमें अगर जो देखा जाए तो ये सारी दवाइयाँ निहित हैं मोस्टली जो। तो साथियों जो हम लोग जो है BHMS के स्टूडेंट थे, तो हम लोगों ने एक जो है फार्मूला बनाया था, SI मतलब सब इंस्पेक्टर जेल बेल। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका था कि जो है S फॉर स्पाइजेलिया, I फॉर आयरिस वेसिकुलर, जेल से जेलसीमियम, बेल से बेलाडोना। ये चार ऐसी मेडिसिन हैं जो कि एनी एंड एवरी टाइप ऑफ माइग्रेन को, एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ माइग्रेन को ठीक करने में पूर्णतया सक्षम है। और ये सारी दवाइयाँ केंट होम्योपैथी लेबोरेटरी का एक जो है कम्बिनेशन आता है, केंटो माइग्रेन ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों ये आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, तो इसमें ये चारों दवाइयाँ मिली हुई हैं, तो आपको कहीं से अलग से नहीं ख़रीदना पड़ेगा और मात्र 120 रुपये की ये दवा है, 120 रुपीज़ की। तो उम्मीद करते हैं कि माइग्रेन से संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे जितना जो है आपको उल्टी, मिचली या चक्कर या सर दर्द या जो है दुखन, हैमरिंग सेंसेशन ऑफ पेन, या आपको वो जो है मूर्छित हो जाते हैं या चक्कर झटके पड़ते हैं, सारी तरीके की दिक्कत इस दवा से ठीक किया जा सकता है। साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और एक बात आपसे ये कहें कि प्लीज़ अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना जाने कौन सा आने वाला वीडियो आपके, आपके परिवारजन या मित्रजन या समाज के लोगों के काम आ सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।